सो गाइस अभी फिलहाल मैं आपको लेके आ चुका हूँ माना में, और माना दो चीज के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। पहला तो सबसे ज्यादा मूर्तियों के लिए, और दूसरा फेमस है पंडाल के लिए। माँ का बहुत ही भव्य पंडाल यहाँ हर साल बनता है, और इस साल आप देख सकते हैं काफी भव्य पंडाल है। और इस साल का जो थीम है वो वृंदावन का टेम्पल है, जिसका नाम है श्री पागल बाबा मंदिर। उसके तर्ज पर यहाँ जो पंडाल है वो बनाने का जो प्रोसेस है वो चल रहा है, और लगातार एक महीने से भैया लोग लगे हुए हैं। बहुत ही भव्य तरीके से ये पंडाल बनने वाला है। तो ये पंडाल किस तरीके से आपको दिखाई देगा सब मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूँ, और यहाँ का लोकेशन मैं आपको दे दूंगा। मैं अपने फ़ोन के थ्रू आपको वो पागल बाबा मंदिर है उसका फोटो दिखाता हूँ, तो उसी तरीके से ये पंडाल बनने वाला है। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। सो गाइस अभी फिलहाल हम अंदर आ चुके हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं अभी भी पंडाल का जो काम है वो बचा हुआ है। लगभग 14 तारीख के रात तक या फिर 15 तारीख तक ये पंडाल पूरी तरीके से बन जाएगा, तो वहाँ मैं आपको फिर से दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं भैया लोग प्रोसेस कर रहे हैं, जारी है काम, और लगातार इतने एक महीने से लगे हुए हैं। तो अभी फिलहाल हम अंदर जाएंगे और मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ कि और क्या क्या प्रोसेस चल रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ से हम अंदर जा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ जो है POP का जो वर्क है, लाइट सीलिंग जो होता है, सीलिंग का जो प्रोसेस है वो भी चल रहा है। सो गाइस फाइनली फोटो आ चुका है, तो देख सकते हैं ऐसे ही बनेगा ये पंडाल। मैं आपको फिर से बता दूँ, वृंदावन के टेम्पल के तर्ज पर यहाँ दुर्गा पंडाल बनाया जा रहा है, जिसका नाम है श्री पागल बाबा मंदिर, जो कि वृंदावन में बहुत ही फेमस मंदिर है। अगर आप वृंदावन गए होंगे तो आप ज़रूर जानते होंगे। ये आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देने वाला है। संतोष नॉलेज ब्लॉग, तो इनको सब्सक्राइब ज़रूर करें, जो भी होगा लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इनके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो गाइस आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू, और मैं होप करता हूँ कि 20,000 सब्सक्राइबर इस वीडियो से कंप्लीट हो जाएगा।